नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी की एमडी उज्ज्वला बघेल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गुरुवार देर शाम इस आशय के आदेश जारी हुए। उनकी जगह एमडी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मनोज खरे को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। खरे का भी कार्यकाल खत्म हो गया और सरकार ने मार्च तक एक्सटेंशन दिया है। बता दें कि 3 दिसंबर को विधानसभा का चुनावी नतीजे आने के बाद अगले ही दिन भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी की एमडी उज्ज्वला बघेल ने अपना इस्तीफा भेज दिया था। पिछले वर्ष एमडी बनने के बाद से उज्ज्वला बघेल एक्सटेंशन पर सेवारत थी। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के नए एमडी मनोज खरे अविभाजित मध्य प्रदेश के समय मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और राज्य बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में विभिन्न पदों पर सेवाएं देते आ रहे हैं। नए एमडी मनोज खरे ने मध्य प्रदेश के शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रीवा से बीई की डिग्री अर्जित की। वे एलएलबी की उपाधि अर्जित कर चुके हैं। देश के विद्युत क्षेत्र के बारे में गहरा ज्ञान रखने वाले मनोज खरे को छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के लोगों में टेंडर प्रक्रिया और पावर सेक्टर कानूनों का जानकार माना जाता है। इनके कार्यकाल में पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और यही वजह है कि सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन देकर छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी का प्रभार सौंपा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो टोटल हम जो पावर बेचते हैं उस हमारे जो टोटल खर्चे हैं उसमें से 90% के आसपास 85 से 90% बिजली खरीदने पर जाता है और वो हम लोग एनटीपीसी से दूसरे जो पावर हाउस हैं हमारी कुछ जनरेशन कंपनी हैं उनसे बिजली खरीदते हैं और उपभोक्ता को एक जो नियामक आयोग है उसके द्वारा तय मूल्य पर टैरिफ पर बिजली दी जाती है। ये तो एक जो सामान्य जिस तरह से एक वित्तीय कंपनी का लेखा जोखा बनता है उसकी बैलेंस शीट बनती है तो वो बैलेंस शीट हमारे यहाँ भी बनती है। हर क्वार्टरली बैलेंस शीट बनती है तो अभी पिछले 3 क्वार्टर से विद्युत वितरण कंपनी फायदे में है, प्लस में है। कंज्यूमर में वेरिएबल में जो हर महीने आप लोग करते हैं उसमें जो लाभ हुआ है बता रहे हैं, किस तरह से लाभ हुआ? जी हाँ, क्या कंज्यूमर्स को जो बिजली में जो जैसे कोयले की या डीजल की जो भी फ्यूल है उसकी कीमतें घटती बढ़ती हैं तो उसके अनुपात में हर महीने एक एडजस्टमेंट किया जाता है तो वो एडजस्टमेंट अभी पिछले महीने 11% के लग रहा था टैरिफ में, अब वो घट के 7% हो जाएगा इस महीने में। जो अगले महीने बिल आएगा तो कंज्यूमर्स को उसमें कुछ और राहत मिलेगी। लोगों का जो अगले समय में प्रोग्राम है, एक तो जो हमारी जो उपभोक्ता की जो शिकायतें हैं वो अभी मैनुअल दर्ज की जाती हैं, उसको उसमें हम कुछ ऑटोमेशन की नए प्रयास चल रहा है जिसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पे उसकी जिसमें ऑटोमेटिकली बिना किसी आदमी के आए वो कम से कम कंप्लेंट उसकी रजिस्टर हो जाए और वो संबंधित अधिकारी को फील्ड में पहुंच जाए। तो इससे क्योंकि जो उपभोक्ता की आम शिकायत होती कि उनका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा तो वो उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक ये प्रयास मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। और दूसरा कुछ इंटरनल हमारी जो प्रक्रियाएँ हैं उसमें हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे सर्वे करने के लिए डिजिटल ऐप डेवलप किया जा रहा है, उसके आने से भी काफ़ी फील्ड के कार्यों पर काफ़ी नियंत्रण से कायम हुआ। कल कोई एक स्कीम नहीं बनी है इसके बारे में, एक DPR बनाई गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रस्तुत है। बाकी फुटकर जो इलाके हैं जहां ज़रूरी है वहां पे अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य जारी है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।